क्षेत्र की मुख्य समस्या 2006 में बना पुल अवा और बिनवा खड्ड के ऊपर, जो जिसके शिलान्यास 2006 में माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने किया था, बट इतने अरसा बीत जाने के बाद भी ये पुल हवा में लटका हुआ है। ये पुल इस क्षेत्र धार क्षेत्र को बैजनाथ पपरोड़ा से जोड़ता है जी। बट ये सड़क से लिंक नहीं है, लंगू गद्याड़े के साथ लिंक होना है वो लिंक नहीं है, साइडों से भराव नहीं है, सड़क नहीं निकली हुई है इसके साथ, मतलब अनकम्प्लीट है ये इतने सालों से जी। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है ये आप खुद जानते हैं, लोक निर्माण विभाग पंजरुखी इसके जवाबदेही हैं। हमने कई बार मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ उठानी चाहिए पर अभी तक इसका कोई असर नहीं हुआ। और दूसरी समस्या है कि यहाँ पर ये कैलाशपुर से बल गांव जुड़ता है, उसके लिए रोड पास नहीं है जी। रोड पास नहीं है ताकि कोई भी बस हमारे को नहीं मिली हुई है, ना मिनी ना HRTC ना प्राइवेट, कोई भी बस नहीं जाती। कितनी जनसंख्या अब आपके जो गांव है उसकी? लगभग 100 अबव है। और सड़क बनी हुई है? सड़क बनी हुई है बट पास नहीं है। अच्छा। और ये है कि यहाँ से सड़क तक ऊपर बस तक जाने के लिए हमें 300 रुपये देने पड़ते हैं, दे करने पड़ते हैं, 150 रुपये जाने का, 150 आने का, टोटल 3.25 किलोमीटर डिस्टेंस का जी। तो ये बहुत बड़ी समस्या है और 90% आबादी जो है वो BPL फैमिली से बिलोंग करती है इस गांव के जी। और तीसरी समस्या है कि कहीं भी जाना हो तो हमें बैजनाथ पपरोड़ा या पंजरुखी के लिए जो है 300 रुपये या बरकड़ी खर्च करने पड़ते हैं। और मेन हमारी ये दो समस्याएं जो हैं वो पुल की और सड़क पास करवाने की है, और बसें होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है।